उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देश दुनिया को वैश्विक संदेश देते हुए वर्तमान के पूरे संत सद्गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने महाशिवरात्रि पर भक्तों के जन सैलाब को संदेश देते हुए कहा कि जब सतयुग इस धरती पर आ जाएगा तब किसी को रहने खाने की दिक्कत नहीं होगी, सबको न्याय सुरक्षा मिलेगी, सबको रोजी रोटी मिलेगी, सब लोग सुखी होंगे। तो प्रेमियों, आप लोग सतयुग इस धरती पर ले आओ। जब आप ये समझो जब दुनिया की तरफ से ध्यान हटेगा तब भजन में लगेगा। इसीलिए तो गुरु महाराज ने सतयुग आने का आदि लोगों को आह्वान कराया किया था कि सतयुग को आप ले आओ तो खाने पहनने की रहने की ये सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। दवा की यानी चिकित्सा की, शिक्षा की, न्याय की, सुरक्षा की, ये जितनी भी समस्याएं रोटी रोजी की हैं ये सब हल हो जाएंगी। तो इस काम में आप लोग लगो। एक बार हम कहते हैं इस धरती पर आप लोग भी सतयुग को देख लो। हालांकि कुछ लोग तो नहीं देख पाएंगे लेकिन हम चाहते हैं ज्यादा ज्यादा लोग देख लो। अब सतयुग को लाने का जब काम करोगे तभी तो देख पाओ। हर युग में हर युग का समावेश रहता है। देखो जब राक्षस मांस के टुकड़ों को काट करके यज्ञ कुंडों में डालने लगे थे तब उस समय पर कलयुग था त्रेता में। दुजमक भोजन होम शरादा जाय करो इनकर तुम बाधा, उस समय पर कलयुग था। लेकिन रामचंद्र बैठे थे लोका हर्षित भय गए सब शोका, तब त्रेता भई कृत युग की करनी। त्रेता में सतयुग का अन्य नजारा दिखाई पड़ गया। तो गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और वो प्रयास बराबर इस काम के लिए करते रहे प्रेमियों, वो काम छोड़ करके गए इसमें आपको लगने की जरूरत है। बाप मकान को बनावे बनाते बनाते छोड़ के चला जाए दुनिया संसार से तो बेटे क्या उसको नहीं बनाते। एक मिशन ही आप पूरा करो। एक अनिल समझ लो दाने दाने में दाल में नमक डालने के बजाय पतीली में ही क्यों नहीं डाल देते हो। एक आदमी को सुख सुविधा दिलाने में आप कहाँ तक कामयाब हो पाओगे अगर सारी सुख सुविधाएं प्रकृति की तरफ से इस धरती पर उतर आऊं तो सबको सुख सुविधा मिल जाएगी। अब रही बात यह कि आने को तो सतयुग आ जाएगा लेकिन यह भी देखा गया कि जब जब युग का बदलाव होता है तो मरते बहुत हैं। त्रेता जब गया तो देखो बहुत मरे, द्वापर जब गया तब देखो बहुत मरे, और कलयुग जाएगा तो बचेंगे बहुत मरेंगे। और सब मर ही जाए और सतयुग आ जाए गाजे बाजे के साथ आ जाए, घुघरू पहन करके आ जाए, नाचता हुआ आ जाए, राजा का सिंहासन पर बैठ करके आ जाए तो आकर क्या करेगा, अरे कौन लाभ उठाएगा। इसलिए सतयुग के योग्य लोगों को बनाओ। आप लोग अपने अपने स्तर से जो जितना कर सकते हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, हर तरह के आप बुद्धिजीवी जिनको कहा जाता है क्रेन ब्रेन वाले हो वो हो या कम बुद्धि वाले हो, सब लोग अपनी ताकत अच्छे समय के लाने में लगा दो। और अगर शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त लोग हो गए तो समझ लो कि सतयुग देखने के लायक हो जाएंगे।